स्टूडेंट्स इन अवर न्यू क्लास टुडे वी आर स्टार्टिंग न्यू चैप्टर ऑफ योर इंग्लिश बुक चैप्टर नंबर 12। इसको हम आज स्टार्ट करने वाले हैं और इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आज हम रामकृष्ण परमहंस के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे कि रामकृष्ण परमहंस कितने अच्छे व्यक्ति थे और इन्होंने क्या क्या किया है। यही चैप्टर में हमें फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड हमें यही सारी चीज़ें इसके अंदर हमें मिलेंगी। तो लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। हैव यू हर्ड अबाउट रामकृष्ण परमहंस? दिस मिशन हैज इट्स ब्रांचेस इन मेनी सिटीज एंड टाउन्स इन इंडिया एज वेल एज इन द नंबर ऑफ फॉरेन कंट्रीज सच एज ब्रिटेन एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। क्या आपने रामकृष्ण मिशन के बारे में सुना है? रामकृष्ण मिशन रामकृष्ण परमहंस के द्वारा चालू किया गया था और राइटर का यह कहना है कि रामकृष्ण मिशन के बहुत सारी ब्रांचेस भी हैं, नॉट ओनली इन इंडिया बट इन फॉरेन कंट्रीज ऑल्सो। अगर हम बात करें फॉरेन कंट्रीज में ब्रिटेन, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए में भी बहुत सारी ब्रांचेस हैं। इट ऑल्सो रन मेनी स्कूल्स एंड कॉलेजेस इन इंडिया। बहुत सारे स्कूल्स एंड कॉलेजेस भी हमारे भारत में चलते हैं इसके। द मिशन डज अ लॉट ऑफ वर्क टू हेल्प द पुअर एंड टू एजुकेट द यंग। और मिशन ये बहुत हद तक काम करता है, खासकर गरीबों को मदद करता है और साथ साथ में लोगों को पढ़ाने में, ऐसे लोगों को पढ़ाने में जो अनएजुकेटेड है उनकी मदद भी करता है। दिस मिशन इज नेम्ड आफ्टर द ग्रेट इंडियन सेंट ऑफ अवर टाइम श्री रामकृष्ण परमहंस। और इस मिशन का नाम एक महान व्यक्ति के नाम पर रखा गया था जिसका नाम था रामकृष्ण परमहंस। श्री रामकृष्ण सेड दैट ऑल मैन ऑट टू लिव लाइक ब्रदर्स एंड दैट नो वन शुड क्वारल इन द नेम ऑफ रिलीजन। रामकृष्ण ये बोलते थे, रामकृष्ण का ये कहना था कि सारे लोग एक दूसरे के भाई हैं और साथ साथ में ब्रदरहुड की भावना उनके पास में होनी चाहिए और उसके साथ साथ में कोई भी धर्म के रास्ते पर किसी कोई भी लड़ना नहीं चाहिए। इन्होंने ये भी कहा था साथ में। ऑल्दो ही वॉज अ हिंदू सेंट ही टॉट दैट ऑल रिलीजन्स लीड यू टू द सेम गोल। हालांकि वो तो हिंदू धर्म से बिलोंग करते थे बट वो ये कहते थे कि सारे धर्म हमें एक ही रास्ते पर लेके जाते हैं, ऐसा उनका कहना था। दिस इज हाउ एक्सप्लेन द आइडिया। ऑल द पीपल में बात इन द सेम रिवर एंड ड्रिंक द सेम वाटर, दे कॉल वाटर बाय डिफरेंट नेम्स। उनका ये कहना था कि ऐसे तो हम पानी को जो है पानी में अलग अलग तरह से नहाते हैं और नहाने के साथ साथ में पानी भी अलग अलग पीते हैं, बट अगर हम बात करें पानी को हम एक डिफरेंट नाम से भी बुला सकते हैं, ऐसा उन्होंने कहा था। सम ऑफ देम कॉल इट जल, कुछ लोग जल बुलाते हैं, कुछ लोग पानी बुलाते हैं और कुछ लोग वाटर भी बोलते हैं। ओनली फुलिश पीपल थिंक दैट जल पानी एंड वाटर आर डिफरेंट थिंग्स। और यही सिर्फ जो मूर्ख लोग होते हैं वो ये सोचते हैं कि जल पानी और जो वाटर है ये अलग अलग चीज़ है, बल्कि ये बिल्कुल सेम चीज़ है। इन द सेम वे ओनली फुलिश पीपल विल क्वारल इन द नेम ऑफ रिलीजन। उनका यह कहना था इसलिए मूर्ख व्यक्ति ही हो सकते हैं जो धर्म के रास्ते पर लड़ेंगे और धर्म के रास्ते पर लड़ते रहते हैं। एंड फॉरगेट दैट दे वर्शिप द सेम गॉड अंडर डिफरेंट नेम। और ये भूल जाते हैं कि वो एक ही भगवान की पूजा कर रहे हैं बल्कि उनके नाम अलग अलग हैं, वो ये कहते थे। श्री रामकृष्ण डिड नॉट गेट दिस आइडियाज फ्रॉम दिस बुक। श्री रामकृष्ण को जितने भी आइडियाज थे वो उनको कोई किताबें से नहीं मिले। ही डिड नॉट गो टू एनी कॉलेज और यूनिवर्सिटी। वो किसी कॉलेज और यूनिवर्सिटी में भी नहीं गए। इनफैक्ट ही वॉज नॉट इवन एट स्कूल फॉर लॉन्ग टाइम। और वो ज्यादा समय तक स्कूल में नहीं रहे थे, ये भी यहाँ पर लिखा हुआ है। ही वॉज बॉर्न इन 1836 एंड और 1836 में इनका जन्म हुआ था। और बहुत ही अपनी कम उम्र में, व्हेन वेरी अर्ली इन हिज लाइफ ही बिकेम अ टेंपल प्रीस्ट। और वो एक टेंपल के जो हम कह सकते हैं एक मंदिर के जो हैं पुजारी बन गए थे। ही फाउंड ग्रेट हैप्पीनेस इन बीइंग अ प्रीस्ट। और प्रीस्ट रहते हुए वो बहुत खुश रहते थे और बहुत ही खुशियाँ उनको मिली हैं। एंड स्पेंड ऑल टाइम इन द सर्विस ऑफ काली। और सारा समय वो काली जी की सर्विस में लगाते थे, काली जी की सेवा में वो लगाते थे। द डिवाइन मदर हुम ही वर्शिप इन द टेम्पल ऑफ दक्षिणेश्वर। दक्षिणेश्वर में ये टेम्पल था, दक्षिणेश्वर में वहाँ पर ये काली जी की सेवा करते थे। ही लिव्ड अ डीपली रिलीजियस लाइफ एंड स्पेंड डेज एंड नाइट्स इन प्रेयर। और वो रात दिन और रात प्रेयर में ही लगाते थे, दिन और रात वो हमेशा अपने जो है हम कह सकते हैं प्रार्थनाएं करते रहते थे। ही लेड अ वेरी हार्ड लाइफ एंड ऑफन वेंट विदाउट फूड एंड वाटर। बहुत ही कठिन जिंदगी वो बिताते थे और इवन पानी और अन्न का दाना भी अपने शरीर में नहीं लेके जाते थे। This upset his health badly, but he did not mind it. उनकी हेल्थ को भी ये काफी असर किया क्योंकि वो रात दिन उपवास रखते थे, उनकी हेल्थ को भी काफी असर पहुंचा, बट ये वो माइंड नहीं करते थे। ही कंटिन्यू टू डिवोट ऑल टाइम इन रिलीजियस ड्यूटी, क्योंकि वो मानते थे कि मुझे सारा समय धार्मिक प्रवृत्ति में लगाना है, धार्मिक समय मेरी काली जी की सेवा में मुझे पूरा समय लगाना है। इट इज सेड दैट वंस ही वॉज इन समाधि फॉर पीरियड ऑफ 6 months and in that samadhi he had a vision of divine mother. ऐसा कहा जाता है कि जब वो एक बार 6 महीने की जब उन्होंने समाधि ली थी तो समाधि में उनको काली जी उनके स्वप्न में आई थी।
दिस विजन ब्रॉट हिम न्यू अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलीजन, और यही जो विजन था, यही जो स्वप्न उनको आया था, यही एक विजन उनको आगे लेकर गया कि वो न्यू रिलीजन किस तरह से वो आगे अपने रिलीजन को लेकर आगे बढ़ सकते हैं. अनलाइक मोस्ट होली मैन, श्री रामकृष्ण वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद नोइंग ट्रूथ ऑफ हिज ओन रिलीजन. ही डिजायर टू हैव द सेम अंडरस्टैंडिंग ऑफ अदर रिलीजन्स. वो अदर रिलीजन्स को पढ़ने की भी हमेशा सोचते थे और समझने की कोशिश करते थे. फॉर दिस ही फेल्ट दैट ही ओड टू लिव इन अ डिसिप्लिन्ड लाइफ लर्न इन अ वेरी अमाउंट देम टू अंडरस्टैंड इस्लाम. ही लिव्ड द लाइफ ऑफ पायस मुस्लिम. इस्लाम को पढ़ने के लिए, इस्लाम धर्म को जानने के लिए उन्होंने पायस मुस्लिम की भी एक जीवन को जिया. एंड ड्यूरिंग पीरियड ही ऑफर्ड प्रेयर्स 5 times a day like a true Muslim. और जब वो मुस्लिम बनने के लिए उन्होंने पायस मुस्लिम का जीवन अपना था, तो वो एक दिन में 5 प्रार्थना करते थे, जैसे कि एक नॉर्मल मुस्लिम व्यक्ति एक दिन में करता है. श्री रामकृष्ण देन लिव्ड द डिसिप्लिन लाइफ ऑफ अ क्रिश्चियन एट द एंड ऑफ द पीरियड हैड अ विजन ऑफ क्राइस्ट. और श्री रामकृष्ण ने क्रिश्चियनिटी को पढ़ने के लिए भी एक क्रिश्चियन की जिंदगी भी अपनाई और उन्होंने उस जिंदगी को भी जिया और क्राइस्ट के विजन को उन्होंने समझने की कोशिश की. ही नेक्स्ट स्टडी द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा एफ ऑफ महावीर. और बाद में बुद्धिज्म को पढ़ने के लिए महावीर की टीचिंग्स को भी उन्होंने समझने की कोशिश की. ही ऑल्सो स्टडीड एवरीथिंग दैट अ सिख ओड टू नो अबाउट हिज रिलीजन विजन्स एंड स्टडी प्रूव टू दम दैट ऑल रिलीजन्स टीच द सेम ट्रूथ. और बाद में उन्होंने ये जाना, बाद में उन्होंने ये समझा कि सारे धर्म हमें एक ही चीजें सिखाते हैं, एक ही सच के और हमें अग्रसर बढ़ने की प्रेरणा देते हैं. एंड लर्न द सेम गोल एंड ही टॉट दैट द वर्ल्ड दैट इज नॉट वाइज टू क्वारल ओवर नेम्स. और उन्होंने ये भी बोला कि सारे दुनिया में जितने भी लोग हैं वो धर्म के ऊपर कभी भी उनको लड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि सारे धर्म हमको एक ही शिक्षा देते हैं, एक ही सत्य की ओर लेकर हमें जाते हैं. श्री रामकृष्ण ऑल्सो टॉट द वर्ल्ड दैट एवरीवन शुड लिव इन अ प्योर विदाउट केयरिंग फॉर वेल्थ पावर ऑफ फेम. श्री रामकृष्ण ने एक और बात कही थी, किसी को भी अपनी फेम, अपनी रुतबा, अपनी इंपॉर्टेंस को और अपने पावर को ना देखते हुए जिंदगी को बितानी चाहिए. ही टॉक्ड अबाउट अ लोटस एन एग्जाम्पल ऑफ सच अ लाइफ. और उन्हें लोटस का एग्जाम्पल भी यहाँ पर दिया हुआ है. अ लोटस डज नॉट गो टू द बीज बट द बीज फ्लॉक अराउंड इट बिकॉज इट इज गिव हनी टू देम. लोटस का ये कहने का मतलब है कि लोटस हनी के पास में नहीं जाता है ना, लोटस बीज के पास में नहीं जाता, मधुमक्खियों के पास में नहीं जाता, बट मधुमक्खियां लोटस के पास में आती हैं क्योंकि उनको वहां से, उसको पराग से मिलकर उनको हनी मिलता है. सिमिलरली पीपल and have some things to give to world and people will flock around us in the same way. वही उन्होंने बोला कि अगर हम असली जिंदगी में जीने की कोशिश करेंगे तो लोग हमारे पास में आएंगे, हमारी विपत्तियां हमारे साथ में आएंगी और हमारे पास में लोग आएंगे, हमें हमारे गोल तक पहुंचने से वो हमेशा रोकेंगे. श्री रामकृष्ण हिमसेल्फ लिव्ड सच अ लाइफ एंड अट्रैक्टेड अ नंबर ऑफ लार्ज डिसिपल्स. बहुत सारे शिष्य इनके हुआ करते थे जो उनको वो हमेशा वही चीज सिखाते थे जो वो प्रैक्टिस किया करते थे. वन डे यंग मैन केम टू सी हिम, हिज नेम वॉज नरेंद्र. एक दिन एक व्यक्ति आया जिसका नाम था उनको देखने के लिए, जिसका नाम नरेंद्र था. ही वॉज स्टडिंग इन अ यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी में पढ़ता था. एंड डिजायर टू नो दैट द ट्रुथ अमॉन्ग अबाउट गॉड. हिज यूनिवर्सिटी डिड नॉट हेल्प हिम इन दिस, सो ही आस्क्ड ऑल द सेंट्स holy men he met, do you believe God and have you seen him. उन्होंने सारे लोगों से यही पूछा कि क्या तुम भगवान पर विश्वास करते हो. But everyone of them said I believe in God but I have not seen him. मैं भगवान में विश्वास करता हूँ बट मैंने भगवान को देखा नहीं है, उनके सारे शिष्यों ने कहा. This not satisfy नरेंद्र, so he went to श्री रामकृष्ण and asked. ये आंसर नरेंद्र जी को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं हुआ और रामकृष्ण जी के पास में ये गए और उन्होंने पूछा, do you believe in God sir. उन्होंने पूछा क्या तुम भगवान में विश्वास करते हो. ये रामकृष्ण परमहंस से पूछा उन्होंने. यस बट हाउ डू यू नो दैट गॉड एग्जिस्ट, पर तुम्हें कैसे मालूम है कि गॉड, जो भगवान है वो उसका वास है इस दुनिया में. हैव यू सीन हिम, क्या तुमने उनको देखा है. आई सी गॉड जस्ट एस आई सी यू. और उन्होंने बोला कि मैं भगवान को देखता हूँ जैसे मैं तुम्हें देखता हूँ, वैसे मैं भगवान को देखता हूँ. दिस वॉज द आंसर नरेंद्र हैड बिन लुकिंग फॉर. यही आंसर नरेंद्र जी को चाहिए था जो ये रामकृष्ण परमहंस जी से उनको मिला. एट लास्ट ही सेड टू हिमसेल्फ, हियर इज अ मैन हू हैज सीन गॉड. और उन्होंने बोला, आखिरी में मुझे एक व्यक्ति मालूम है जो इसने गॉड को देखा है. एज ही स्टूड देयर श्री रामकृष्ण टच्ड एंड ही बिगन टू फील एज इफ द होल वर्ल्ड वॉज स्पिनिंग अराउंड हिम. और जैसे ही ये आगे बढ़े, रामकृष्ण को समझ में आया कि ये सारा जो वर्ल्ड है उनको
जो है घूमते नजर आ रहा था। सून आफ्टर ही बिकेम द डिसाइपल ऑफ श्री रामकृष्ण, नरेंद्र जी बाद में रामकृष्ण जी के जो है डिसाइपल बन गए, शिष्य बन गए। द यंग नरेंद्र लेटर बिकेम द फेमस स्वामी विवेकानंद, और यही नरेंद्र था जो बाद में स्वामी विवेकानंद बन गया, जो कितना मशहूर हुआ, जिसकी स्पीच से भी कितना ज़्यादा तालियों की गड़गड़ाहट से जो है हमारे देश की जो है प्राथमिकता को बढ़ाया था उन्होंने और पॉपुलैरिटी को बढ़ाई थी। हु कैरिड श्री रामकृष्ण मैसेज टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, यही नरेंद्र नाथ थे, यही विवेकानंद जी थे जिन्होंने रामकृष्ण के मैसेज को पूरी दुनिया में सब जगह तक फैला दिया। श्री रामकृष्ण नेवर टच द मनी, रामकृष्ण ने कभी भी पैसों को टच नहीं किया। स्वामी विवेकानंद वंस वॉन्टेड टू नो वॉट वुड हैपन इफ श्री रामकृष्ण टच द मनी, स्वामी विवेकानंद ये जानना चाहते थे कि रामकृष्ण अगर पैसों को टच करते हैं तो क्या होगा। सो वन डे व्हेन रामकृष्ण वाज अस्लीप ही टच्ड विद अ कॉइन, और एक दिन जब रामकृष्ण सोए हुए थे तो उन्होंने विवेकानंद जी ने जाकर एक सिक्के से जाकर उनको टच कर दिया। सडनली श्री रामकृष्ण हैंड बेंट एंड हिज बॉडी अपीयर टू बी इन ग्रेट पेन, और बाद में ये पता चला कि रामकृष्ण का हाथ जो है एकदम से बेंट हो गया और उनका पूरा बॉडी जो है दर्द में होने लगी पूरी बॉडी। श्री रामकृष्ण वॉज नोन टू हिज ग्रेट लव ऑफ ट्रूथ एंड हिज डिसलाइक फॉर द प्लेजर्स ऑफ द वर्ल्ड, ही लुक्ड अपॉन वेरी वुमन एवरी वुमन एज अ डिवाइन मदर, और रामकृष्ण हर व्यक्ति को, चाहे वो महिलाएं हों चाहे वो व्यक्ति हो, हर महिलाओं को वो डिवाइन मदर के जैसा ही पूछते थे और ये सोचते थे कि किस तरह से वो सारी चीज़ों को करेंगे। एवरी डे श्री रामकृष्ण यूज टू स्पेंड अबाउट 20 आवर्स विद विजिटर्स, 20 घंटे वो विजिटर्स के पास में बजा बिताते थे। दिस अपसेट इज हेल्थ, और यही हेल्थ उनकी अपसेट होने लगी। देयरफॉर स्वामी विवेकानंद अदर डिसाइपल्स फेल्ट दैट दे ओड टू नॉट टू अलाउ सो मेनी विजिटर्स टू से हिम, स्वामी विवेकानंद ने और सारे जो उनके शिष्य थे उन्होंने ये सोचा कि ज़्यादा लोगों को मिलने की अनुमति ना दी जाए रामकृष्ण जी से, क्योंकि उनकी हेल्थ जो है सही नहीं थी। दे सेड मास्टर यू मस्ट नॉट टायर योर सेल्फ लाइक दिस एंड नेगलेक्ट योर बॉडी, उन्होंने कहा कि हे मास्टर जी आप अपने आप को देखिए और आप अपने आप को ज़्यादा विजिटर से ना मिलिए और अपने आप हेल्थ को आप देखिए। बट रामकृष्ण डिड नॉट एग्री, ही रिप्लाइड आई विल गिव अप 20,000 सच बॉडीज टू हेल्प वन मैन, बट रामकृष्ण ने बोला कि मैं 20,000 ऐसे शरीर को दान कर दूंगा अगर कोई भी विजिटर्स मुझसे मिलने के लिए आएंगे, मैं उनसे जरूर मिलूंगा। दिस इज अ ग्रेट जॉय इन सर्विस। श्री रामकृष्ण डाइड इन 1886 में रामकृष्ण जी का डेथ हो गई, बट हिज सर्विस डिड नॉट एंड हिज डेथ, बट उनकी जो सर्विस थी वो कभी भी भूली नहीं जाएगी, ये हम कह सकते हैं। तो ये बच्चों ये आपका ये चैप्टर था स्टूडेंट्स, दिस वाज योर चैप्टर रामकृष्ण परमहंस, थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है इसलिए मैंने थोड़ा सा वास्ट लिया है। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। समझ में नहीं आ रहा है स्किप ना करें वीडियो को, बार बार शुरू से लेकर अंत तक देखें, डेफिनेटली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई हैव टॉट इन दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो आई विल बी श्योरली ब्रिंगिंग इट इन द नेक्स्ट 2 डेज, अंटिल देन कीप वॉचिंग।